जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये गोल्डेना का प्लांट है और देख रहे होंगे कैसे गर्मी में इतनी गर्मी पड़ी है कि ये जल जा रही है। तो अगर आपके पास गोल्डेना का प्लांट है तो उसे छाया में रखिएगा। तो आज जो दोस्तों आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो है कि इसे मॉस में मैं लगाने वाली हूँ और ये इंडोर बहुत अच्छा रहता है, तो मैं इसे इंडोर में लगाऊंगी और ऑक्सीजन भी काफ़ी देता है। तो मैं इंडोर में इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ और मॉस में किस तरीके से आपको इसे लगाना है मॉस के साथ, आज का वीडियो उसी पर आधारित है। तो ये रहा दोस्तों मॉस। ये मॉस मैं मेसो से मंगाई हूँ, बहुत अच्छा मॉस आया है। ये मुझे 200 में 4 मिले हैं, बहुत सस्ते मिले हैं। और ये जो अंदर से है इसमें कोकोनट फाइबर दिया हुआ है जो, और ऊपर से देखिएगा एक आपको स्टील का जो तार है वो तार के जाली दिख रहे होंगे, और उसके ऊपर से भी एक ग्रीन कलर का प्लास्टिक के जाली लगी हुई है। तो ये बहुत सेफ़ है, यानी कोकोनट फाइबर जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से पैक करके दिया गया है। और इसकी हाइट लगभग 2 फीट की हाइट है, आपको दिख रही होगी स्टील की जो तार है वो दिख रही है। और ये जो है इसका जो बेस है वो बेस अंदर से एक प्लास्टिक का, एक ब्लैक कलर का फाइबर का बना हुआ एक रॉड है, तो उसमें ये लोहे का नहीं है, प्लास्टिक का ही है। हल्की है, बहुत हल्की है और इसे लगाना भी आसान है। तो इसे बीचों बीच ऐसे लगाते हैं हम लोग जो मिट्टी में है, वो मिट्टी में इस तरीके से बीचों बीच लगाना पड़ेगा। तो कुछ ये जो ब्लैक वाले पोर्शन है वो मिट्टी में चले जाएंगे और कुछ पोर्शन जो है मॉस का आपको उसको भी मिट्टी में दबा के रखना है ताकि मॉस हिले डुले नहीं। अब देखिए जो मिट्टी है, ये मिट्टी मेरे पहले से बनी हुई थी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि गोबर की जो खाद लेनी है वो सूखी वाली होनी चाहिए, गीली वाली नहीं लेना है क्योंकि आपको उसे घर के अंदर रखना है। और तो महक आएगी उससे, ज़्यादा क्या होगा कि महक आना शुरू हो जाती है घर में, एक बदबू टाइप का। और दूसरी बात है कि इसमें सैफ देना बहुत ज़रूरी है, आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो घर की हल्दी भी आप डाल सकते हैं। तो ये मिट्टी मेरी बनी हुई थी इसलिए मैं ये सब नहीं दिखाई, और मिट्टी बिल्कुल भुड़भुड़ी होनी चाहिए, मिट्टी ऐसे नहीं कि आप ऐसे मिट्टी ले ले जिसमें पानी ठहर जाए, ये सब नहीं लेना है। और पानी आप इसमें चेक कर लीजिएगा, जो मेरे इस पॉट में ना बहुत नीचे से जो है बड़े बड़े होल हैं, तो पानी आराम से निकल जाएगी इसमें से। तो चूँकि आपको घर में रखना है तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, पानी आपको देना स्प्रे से देना है, वो मग से एकदम जैसे हम लोग डाल देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है। चूँकि घर के अंदर रहेंगे तो स्प्रे से ही चल जाएगा, और मॉस लगाने का यही रहता है कि मॉस में आप पानी दे दे बस पूरे पौधे को पानी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बीचों बीच इसको लगाना है, ऊपर से प्रेस करके लगाना है दोस्तों, नीचे से नहीं इसको धकेलिएगा, ऊपर से आपको प्रेस करना है ताकि जो है वो जो आपको प्लास्टिक का जो दिखा हुआ था ब्लैक कलर का जो पाइप था वो अंदर की तरफ धंस जाए, और हाथों से थोड़ी सी मिट्टी ले लेकर उसके साइड से इसको दाब देना है ताकि ये हिले नहीं, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल टाइट तरीके से इसको आपको अरेंज कर देना है, बेस बिल्कुल टाइट, इसलिए मैं मिट्टी चारों तरफ से डाल दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि प्लांट, जिस प्लांट को आपको लगाना है उसके नीचे की पत्तियों को हटा देना है। पत्तियों को हटाकर ये देखिए मेरे पास, मैंने यहाँ पर मनी प्लांट के भी आपको पत्ते दिख रहे होंगे, तो मैं मनी प्लांट की भी बनाई हूँ आज। ये मेसो से मुझे बहुत सस्ते में मिले थे दोस्तों, 200 में मिल गए थे, तो मैं 200 में 4 मिल गए थे, और अभी थोड़े से दाम बढ़ गए मॉस के, तो फिर भी आपको 230, बहुत ज़्यादा नहीं, 230 225 में। ये मेरे वाले जो मैं ली हूँ ये देख रहे हैं 90 रुपये और एक्स्ट्रा देने पर 89 रुपीज़ और पड़ गए हैं, तो आप दूसरे भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो देखिए ये जो पौधे मैं लगा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जड़ें जो है वो मॉस की तरफ है, आपको जड़ों को मॉस की तरफ रखना है ताकि जड़ जो है मॉस के अंदर चले जाए। मॉस के अंदर जाने से क्या होगा कि आप जब भी पानी दीजिएगा मॉस में, मैंने बताया ना कि मॉस में पानी देने हैं, तो जब भी आप मॉस में पानी दीजिएगा तो जड़ों को क्या होगा कि जड़ों को ही पानी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी आप घर के अंदर नहीं डाल सकते, घर में भी पानी वगैरह गिर जाएंगे, तो इसलिए मॉस को भिगाना ज़रूरी है। तो जब भी आप किसी पौधे को मॉस में लगाएं तो उसके जड़ों को पौधे के तरफ करके, मॉस के तरफ करके लगाएं, सॉरी मॉस के तरफ उसके जड़े रहने चाहिए ताकि वो जड़े जो है अंदर की तरफ मॉस के अंदर चले जाएंगे।
तो इस तरीके से एक एक करके चारों तरफ से आपको लगा लेने हैं। अगर आपके पास छोटे से कटिंग है तो आप एक ही कटिंग लगाएं। मेरे पास बड़े हैं ये, बहुत सारे पौधे थे तो मैंने बहुत सारे डंठल इसके काट लिए थे। और जड़ों को देखिए इस तरीके से अरेंज करके आपको मॉस की तरफ कर देना है। और फिर ये पतली सी रस्सी है और रस्सी से इन पौधों को, मतलब जो आप स्टीम काटे हैं वो स्टीम को, ब्रांचेस को, उसको अच्छी तरीके से मॉस के साथ बांध देने हैं। कुछ दिनों तक इसको बांध के ही रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको बांधना है, ताकि ये धीरे धीरे, जब तक वह मॉस को नहीं पकड़ लेते इनके जड़, इसको बांध के रखना है। अगर आपको लगे कि ये मॉस के अंदर चले गए, उसके बाद अगर आप इसे काटना चाहे तो काट सकते हैं इन इस धागों को। अगर नहीं काटना चाहे तो वो भी आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इस लेकिन आपको फर्स्ट बांधना ही पड़ेगा ताकि ये मॉस को अच्छी तरीके से पकड़ ले। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके बांधना है आपको, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि अभी नहीं तो ये मिट्टी से फिर बाहर निकल जाएंगे पौधे जो है उसको अच्छी तरीके से। और मॉस को अच्छी तरीके से भी होल्ड कर लीजिए, पकड़िए, ताकि वो हिल के वो किसी दूसरे तरफ झुक नहीं जाए, क्योंकि मॉस को हमको सीधा रखना है, मॉस को सीधा रखना है। इसलिए ऊपर से प्रेशर डालिए और किसी और को बोलिए, जैसे यहाँ पर मैं हेल्प ले रही हूँ इसको बांधने में, तो मॉस को मैं ऊपर से प्रेस करके रखी हूँ ताकि वो हिले नहीं। ऊपर से मॉस को प्रेस कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे करके बांध दीजिए इन पौधों को, इस तरीके से बहुत टाइट बांध दीजिए। और ये आपका जो है ये तैयार हो गया है। और अगर आपको पत्तियाँ बहुत ज़्यादा लगे पौधे में तो पत्तियाँ आप और काट सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने से पत्तियाँ इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी। और साइड से दोस्तों अब आपको और साइड से मिट्टी डालनी है, ताकि पौधे जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी के साथ और मॉस के साथ वो पकड़े रहें। साइड से अगर मिट्टी नहीं डालिएगा ना तो हल्के रहेंगे, थोड़े से हवा या फिर थोड़े से, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ उसे किसी से भी वो हिल जाए तो नीचे जो जितने भी जड़े हैं वो अगर हिल जाएंगे तो फिर पौधे आपके फिर नहीं लगेंगे। तो मिट्टी आपको साइड से डाल डाल कर उसको थोड़े थोड़े करके भर देने पड़ेंगे। इस तरीके से मिट्टी आप डालते जाइए और हाथों के सहारे उन मिट्टियों को चारों तरफ फैलाते जाइए। ये और भी थोड़ी सी टाइट करके बांध दिया जा रहा है इसे, ताकि बिल्कुल ना हिले। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगे तो बाद में जाकर आप इसे खोल भी सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी दिखने में ये अच्छा नहीं लगता है, तो जब ये जड़े पकड़ लेंगे तो आप चाहे तो इसे खोल सकते हैं। नहीं तो अगर प्रॉपर वे से पानी दीजिएगा तो ये मॉस के चारों तरफ इतने सारे पत्तियाँ रहेंगे कि ये जो आपको जो रस्सी है वो दिखेगी ही नहीं। और बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, ये जो गोल्डेना है, चाहे मनी प्लांट है, पैथोस जितने भी है, ये सब लगाइए, काफ़ी ऑक्सीजन देते हैं घर के अंदर। स्नेक प्लांट मैं सोच रही हूँ अपने घर के अंदर जो स्नेक प्लांट रखी हूँ उसका भी एक वीडियो आप लोग को मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल इतने पॉल्यूशन है घर के अंदर, तो कम से कम अच्छी ऑक्सीजन लोगों को मिले, इसी के कारण ये सब वीडियोज़ बनाना है, बनाती हूँ मैं। और भी पौधे जितने भी है उसके भी वीडियोज़ देती हूँ, लेकिन मैं सोची ये देखिए मैं मनी प्लांट का भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाई हूँ। तो ये जो 2 फीट का है, ये मॉस कुछ हद तक अंदर जाने के बाद, ये लगभग 1.5-2 फीट के ये रहते हैं, तो अच्छा हाइट रहता है दोस्तों घर के अंदर के लिए, काफ़ी बड़े भी नहीं रहते। अब ड्राइंग रूम ये सब में लगा, ड्राइंग रूम बेडरूम में आराम से रख दीजिए। ये देखिए, और एक और है, ये मार्बल मनी प्लांट है, इसके पत्तियाँ आप देख रहे होंगे, इसकी भी मैंने बनाई है। ये छोटे हैं थोड़े से, और ये वाले बड़े बड़े डंठल थे तो मैंने इसके भी डंठल तोड़ के इसी तरीके से सेम वे से आपको लगाना है। तो मैं तो और भी परचेस करने वाली हूँ ये मॉस, मुझे मॉस बहुत अच्छे लगे, आप ज़रूर लगाइए। अच्छा, इसमें पानी कैसे देना है मैं बता देती हूँ आप लोग को। ये ऊपर से देखिए, ऊपर से पानी देना है। ये तो चूँकि मेरे छत पर रखी हुई तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पानी दे रही हूँ, घर के अंदर जब लाइएगा। अच्छा, अभी तुरंत इसको घर के अंदर नहीं लाना है, कुछ दिन तक थोड़ी छाया वाले जगह पर रखिए और फिर उसके बाद इसे घर के अंदर लाइएगा। जब तक जब आपके इसके पौधे देखेंगे कि नए पत्तियाँ ग्रो करिए तब आप घर के अंदर लाइए, और घर में लाकर इसको स्प्रे से ही इसको मॉस को बस भिंगा देना है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, शेयर भी कर सकते हैं, कुछ जिज्ञासा हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में भेजिए। ये अच्छी तरीके से मैं मॉस को भिगो दे रही हूँ, ये देखिए दोस्तों मॉस को अच्छी तरीके से भिगो दीजिए दोस्तों, धीरे धीरे ये पौधे अपने आप से ही मॉस को पकड़ना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होते हैं, और पत्तियों में भी थोड़ा बीच बीच में पानी डाल दीजिएगा तो पत्तियाँ भी साफ़ रहेगी। और इस तरीके से हमारा जो बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही रखती हूँ आज के लिए, और फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ।